नमस्कार दोस्तों, बस आपकी एक और क्लास तुरंत टाइम के अनुसार, जैसे कि आप जानते हैं आपके क्लास का टाइम हो गया है। अब चाहे आपकी वो ADCA की क्लास है, चाहे वो DLED की क्लास है, चाहे वो BTC की है, या फिर जीरो लेवल है, कंपटीशन की मैथ है, लेकिन ये सब दरकिनार करते हुए आज आपकी होगी स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में आप लोग आज देखेंगे समतुल्य भिन्न। भिन्न के बारे में आपने पढ़ा होगा, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, साधारण भिन्न, लेकिन क्या आपने समतुल्य भिन्न पढ़ा है? समतुल्य भिन्न होती क्या है, आइए इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। जैसे हमने लिखा 1/2, आप इसे बोलोगे इट इज अ फ्रैक्शन, ये भिन्न है। लेकिन अगर कोई कहे कि इसके समतुल्य कोई एक भिन्न बताइए, तो आप कैसे करोगे? देखिए, इसके समतुल्य एक भिन्न का मतलब ये है कि आप इस भिन्न में किसी से गुणा कर दो और किसी से भाग कर दो, बट किसी किसी से काम नहीं चलने वाला, जिससे गुणा करोगे उसी से भाग करोगे, ठीक ना? तो 3 से हमने इसमें गुणा कर दिया और ये बन गया 3/6, यानी आपकी जो मूल भिन्न थी 1/2 थी। कहने का मतलब ये है कि 1/2 के जो समतुल्य भिन्न है वो क्या हो गई, 3/6, समझ गए? तो समतुल्य भिन्न का यही मतलब होता है। अब कुछ लोगों के दिल में एक गलत फहमी आ गई होगी कि भाई सिंपल सी बात है यार, गुणा कर दो तो समतुल्य भिन्न बन जाती है। ना बाबा ना, इतना ही नहीं होता है। आप किसी को बढ़ा भी सकते हो तो गिरा भी सकते हो, और भारत में गिराने का ट्रेंड ज्यादा चलता है, बढ़ाने का कम। अभी आपने देखा होगा एक दुबे जी गुजरात में बहुत गा करके बहुत अच्छी स्टाइल में वो खिलौने बेचते थे, लेकिन भारत सरकार को तो देखिए, जो लोग इधर उधर गुंडागर्दी कर रहे हैं उन लोगों का कितना प्रमोशन हो रहा है। वो बेचारे गा बजा के थोड़ा सा अपना बिजनेस चला रहे थे, लोगों का मन बहला रहे थे, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल करके 3,500 जुर्माना लगा दिया, उनका काम धंधा बंद करवा दिया, क्योंकि उनके पास रेलवे का वेंडर का लाइसेंस नहीं था। और ना जाने कितने सैकड़ों लाखों वेंडर ऐसे घूमते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बट वो क्या करते हैं, पुलिस वाले को हफ्ता देते हैं, बेटा ले लो 10,000 ले लो, बोलना मत। और ये हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्लास के बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल जाने दीजिए। तो समतुल्य भिन्न के बारे में बात कर रहे थे। अगर 48/24 लिखा है, इसके समतुल्य भिन्न आपको बनाना है, तो आप कहोगे 3 से गुणा करें 4 से गुणा करें, काफी बड़ा हो जाएगा। गुणा ही नहीं जरूरी, आप इसको भाग भी कर सकते हो। ये 12 से आप भाग कर दो इसमें तो क्या आएगा, बट दोनों में करना, मतलब नीचे भी करना और ऊपर भी। ये लो अंश और हर दोनों में, तो 12 से इसमें भाग करोगे ये 4 आएगा, 12 × 48 इसमें करोगे 2 आएगा। यानी अब आप कह सकते हो आपकी मूल भिन्न जो थी 48/24, 48/24 की समतुल्य भिन्न 4/2, समझ में आया ना? इसी तरह से आप बहुत सारी समतुल्य भिन्न बना सकते हो, जरूरी नहीं कि 1/2 होती है। अरे भाई, इसको आपने 12 से भाग दिया, 6 से भाग दे दो, तो 6 से भाग दोगे 6 × 48, ये 6 × 24, यानी 8/4, एक भिन्न हो गई 8/4। अब इसी को आप 2 से भाग दे दो, 24 आएगा 12 आएगा, यानी 24/12। ये सभी क्या है, ये सभी 48/24 की समतुल्य भिन्न है, 48/24 की समतुल्य भिन्न है। ऐसे आप बहुत सारी समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। समतुल्य भिन्नों का मतलब इतना ही होता है। तो बात शुरू हुई है समतुल्य भिन्न से। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो आप निसंकोच उसे बोलें। यहाँ पर हम आपको 1-2 भिन्न के बारे में और भी बता देते हैं फिलहाल, क्योंकि आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है। तो समतुल्य भिन्न के बाद हम लोग चलते हैं, वो कौन सा है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं सम और विषम भिन्न। तो सम भिन्न और विषम भिन्न, इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये सभी टॉपिक जो है वो PVR स्टडी पर ट्रेंडिंग में होते हैं और आप लोग इन्हीं के माध्यम से जानते हैं PVR स्टडी को। तो देखिए, ये काफी कंफ्यूजन वाले होते हैं। 3/7 लिखा है, यहाँ पर आपने इसका खोपड़ी उल्टा कर दिया, ये हो गया, ये सम भिन्न है, ये विषम भिन्न है। आप लोग कहेंगे कि भाई दिमाग वमाग नहीं सही है, ज्यादा टाइम बीत गया क्या रात, इसमें तो कोई विषम संख्या ही है, सभी सम तो है ही नहीं, तो सम भिन्न कैसे हो गई। कुछ लोगों के दिल में यही बातें आ रही होंगी कि ये 3 भी विषम है, 7 भी विषम है, तो ये कैसे बोल रहा है कि सम है, ये
सम विषम से मतलब यहाँ पर सम विषम संख्या से कोई रिलेशन नहीं है, सम विषम भिन्न की बात हो रही है। अगर हर बड़ा होगा क्या होगा, बड़ा होगा, अंश छोटा होगा तो सम भिन्न होगी। अगर अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो क्या होगा, विषम भिन्न होगी। समझ गए ना? और यही विषम भिन्न आपकी मिल करके मिश्रित भिन्न बनाती है। मिश्रित बोलते हैं जी, मिश्र भिन्न बोलते हैं, सॉरी, मिश्र भिन्न नहीं मिल करके बनाती है। समझ गए ना, जिसके सही बटा में आप लोग बोलते हो। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के हजारों आते हैं, लाखों की संख्या में आप लोग भेजते रहते हैं, ढकेलते रहते हैं, कोई कमेंट में करता रहता है तो कोई व्हाट्सएप पे भेजता रहता है, लेकिन ये टाइम नहीं मिल पाता है कि हम आप सभी के सवाल करवाएं। अभी बहुत सारी क्लास जैसे पेंटिंग में चल रही है, 11th 12th की मैथ चल रही है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, आपके ITI की मैथ की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई आइए, वो ITI के बहुत से क्वेश्चन है जो उन लोगों को नहीं आ रहे, वो लोग बहुत सारी कोशिश करते हैं लेकिन वो मैथ के लिए ढूंढते हैं, PBR स्टडी पे आते हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, तो काफ़ी खुशी होती है सब सुन के। जल्दी ही हम वो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो इस छोटी सी क्लास में आपने ढेर सारी जानकारियां प्राप्त कर लिया। अब चलते चलते आपको याद दिला दें, आप अभी तुरंत PBR स्टडी को फेसबुक पर सर्च करें और अवश्य लाइक करें पेज को, जिससे आप इस क्लास को सबसे पहले फेसबुक पर देख पाए और यूट्यूब पे क्लास बाद में होती है। जो लोग फेसबुक का यूज नहीं करते हैं वो लोग यूट्यूब पर चुपके से सर्च करें PBR स्टडी और इसके साथ लगा दें GROUP ग्रुप। ये आपका नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको गणित सिखाने की पूरा 101% गारंटी होगी और यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध होंगे। किसी भी क्लास की क्वालिटी या किसी भी प्रकार की सर्विस में आपको थोड़ी सी भी कमी नजर आती है तो बिल्कुल समझौता मत करिएगा और निसंकोच अपनी कंप्लेन, अपनी नाराजगी, अपनी शिकवा शिकायत आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। उस वीडियो की लिंक को भेजिएगा और बताइएगा इसमें क्या कमी है, हमारी टीम 24 घंटे के अंदर उसको सही करके आप तक पहुंचाएगी। किसी भी प्रकार से कमी से कोई प्रकार का समझौता नहीं इस क्लास में, बस इतना ही। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से आपकी एक नई क्लास और एक नई उम्मीद के साथ आपके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास के लिए आपका इंतजार रहेगा, आइएगा जरूर।